इस वीडियो में हम लोग बर्ड पैट सीखेंगे। ये बर्ड पैट का है, का काम है जाको? ये माइक्रोसॉफ्ट को एक प्रोग्राम है बर्ड पैट, जो कि हर एक विंडो में पहले से ही पढ़ के आते है संग। इसे डालना पर पहले से ही पढ़ो होता है। तो आज हम बर्ड पैट बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा सीखेंगे। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो सकते है तो चलो चल रहे वीडियो। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करना हम बताएं। पहला तरीका है जाए चालू करने को, वो है अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करने, ऑल प्रोग्राम पर जाने हैं और जो एसेसरीज है इस पर क्लिक करने। ये ना आपको मिली है जो बर्ड पैड सबसे लास्ट हम इस पर यहाँ क्लिक करो और ये ओपन हुई है। एक तो तरीका जू ही हो और एक तरीका है शॉर्ट, विंडो प्लस आर दबाओ और यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो बर्ड पैड और एंटर कर दो। जो शॉर्ट तरीका है यूज खोल सकता है, दोनों ही काम के हैं तरीके। कैसे वो खोल सकता है? जब इसे ओपन करो तो एक ब्लैंक खाली पेज यहाँ पर ही मिलेगा हम लोगों को, और ऊपर टाइटल बार है यहाँ पर ही मैं पता चले कि कौन सा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। टाइटल बार कामेज है वो, तो मैं बता रहा कि कौन सा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है और कौन सी फाइल खुली हुई है। तो यहाँ पर लिखी आ रही है बर्ड पैड और डॉक्यूमेंट, क्योंकि अब हमने फाइल सेव ना करी है किसी नाम से। और जो मेनू है, दो मेनू दे गए हैं इसमें, एक होम और एक व्यू। तो ज़्यादा कुछ इसमें है ना खास, फिर भी बहुत काम को है, तभी जाए अभी तक रखो हुआ को हर एक विंडो में जो पहले से ही परोबा होता ही है। तो अब एक एक करके हम लोग समझें इसमें कौन सी चीज़ का काम की है। पहले हम इस पर क्लिक करें, ऑप्शन पर दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से नौ पेज ले सकते हैं जो न्यू है, यहाँ से हम नौ पेज बना सकते हैं। जैसे हमने एक और नौ पेज ले लो है जो ओपन है, यहाँ से कोई फाइल ओपन कर सकत पहले से बनी हुई हो या बर्ड पैड की, तो वह यहाँ पर ओपन कर सकत किसी की ओपन हो। और यू है सेव, सेव से हम कोई चीज़ सेव कर सकते जामा, और सेव एस की कोई फाइल है हमारी, जैसे एग्जांपल के लिए हमारी फाइल राहुल नाम से सेव है और हमें वह शुभम नाम से सेव करने है, और राहुल लोग नाम से सेव रहा है और शुभम नाम से सेव करने है। तो ऐसे हमें सेव एस काम है, एक ही फाइल को दो नाम से सेव कर सकते हम, और भी दूसरी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, ताको काम है जो सेव एस। उसके बाद आइए नीचे प्रिंट, ऊपर जी तो दो ऑप्शन हुई है प्रिंट की, प्रिंट ही होती है प्रिंट प्रीव्यू जी किस लिए है ये जाके ले। इस पर आप क्लिक करो तो जो बताइए हमें कि अगर हम प्रिंट कराएंगे अपने डॉक्यूमेंट को, जो पेज पे हम करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ बनाई है हमने, तो कैसी लगाई प्रिंट होने के बाद, तो वहीं पर प्रिंट प्रीव्यू दिखाइए हमें। तो इसे बंद करते हैं, दोबारा चलते हैं यहाँ से पेज सेटअप, इस पर क्लिक कराएंगे यहाँ से अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से आपको साइज में सब यहाँ पर आपको मिली है, पेपर ज़्यादातर A4 आपने सुनवाई है ज़्यादातर ना सुना है, हम बता दें सबसे ज़्यादा जो फेमस है यूपी ज़्यादातर A4 है, उसके बाद आता है लेटर और लीगल, जी तीन है। तो यहाँ से हम A4 सिलेक्ट कर ले रहे हैं A4, और यहाँ से मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं और पेज लैंडस्केप रखने हैं या पोर्ट्रेट, हम पोर्ट्रेट ही रखेंगे और यहाँ से ओके कर दिए हैं। उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ खास है ना, हम ये सब ऑप्शन हम बता ही चुके। और बर्ड पैड यहाँ इस पर क्लिक करो, अबाउट बर्ड पैड इसके बारे में डिटेल यहाँ पर लिखा ही है जो आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो इतना क्लियर है, ये समझ में आई हो, एग्जिट से बंद हुई है। उसके बाद हम चल रहे पहले होम, पहले हमारे मेनू यहाँ पर कट कॉपी और पेस्ट, जिस तो सबको पता ही है ना पता, हम अब करके दिखाएँ प्रैक्टिकल और इनकी शॉर्टकट भी बताए हैं। उसके बाद आइए फॉन्ट दूसरे मेनू, इसके लिए पहले हम यहाँ पर कुछ लिख लें। जैसे यहाँ हमने चाउमैच के लिख लिया एग्जाम्पल, अब जाए पहले हम कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट कर लिए। अगर एक बार में सब कुछ जितना भी पेज को है अगर आपको सिलेक्ट करने हैं पूरा चाहें तो सिलेक्ट किया, तो कंट्रोल ए शॉर्ट की है याद रखने हैं हमेशा। उसके बाद जी देखो ऑप्शन ऑटोमेटिकली हाईलाइट होने लगे हैं, आप लोग देख सकते जैसे ही हमने सिलेक्ट करे। कट को काम है कट, जैसे हमने कर लो यहाँ से और दोबारा कहीं पर ही पे मैं जब हम पेस्ट करना चाहते हैं ना, एक आध बार स्पेस दे के अब मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, तो पेस्ट पे क्लिक जैसे ही करो ये ना आइए मैं देख सकता हूँ। तो कट को काम है जहाँ से है वो चीज़ वन से हटाए कि जहाँ हम ले आए शायद वन पहुँचा दिए, और कॉपी को उसकी कॉपी भी है जैसे
दोबारा से डूब रही है। ऐसे हम कॉपी का मत कॉपी करना, एक दूसरे उसकी हुबहू वैसे ही तैयार करना। तो जे वो आप तो समझिएगा कट कॉपी पेस्ट इनो का काम है। क्लियर है इतना? तो इनकी शॉर्ट की और हम बता दें, जो कॉपी की है वो कंट्रोल सी है। जैसे ही हम कंट्रोल सी करें कीबोर्ड से, सो कॉपी हुई है। अब एंटर करके जैसे ही कंट्रोल बी करें सो पेस्ट हुई है। और कंट्रोल जो एक्स है वह कट के लें। जैसे हम इसे कट करना चाहते हैं नीचे वाले को, पहले से सिलेक्ट करेंगे हम, सेलेक्ट कर लें। जैसे ही हम कंट्रोल एक्स दबाएं देखो कट हो चुका। अब यहाँ हम यहाँ पर डालना चाहते हैं कंट्रोल बी कर दो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आ गया। तो इतना क्लियर है पूरी तरीके से। अब आगे बात करेंगे फॉन्ट। तो पहले एक बार हमें से हटा दें एक ही से चाहूँगा आजकल बस। यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं क्वांटम, ज़्यादातर कैलिबरी या टाइम्स 2:1 जहाँ तक हम जानते हैं। और बहुत ज़्यादा है रिम्बल ये फॉन्ट, जैसे हम अभी कमिंग सेंस इस पर क्लिक कर इसे सेलेक्ट करें जी। आप लोग देख सकते यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट हमें मिल गया, बहुत सारे। कोई भी फॉन्ट जो भी पसंद हो फॉन्ट यहाँ से हम अपना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो हुआ यहाँ फिर जैसे साइज बढ़ा सकते हम अपना, जैसे मैं 26 कर रहा है जी आप लोग देख सकते, जिसको काम है साइज बढ़ाना। और जो छोटी बड़ी जो ए है इन्हों को सेम ही काम है, कश इनको कोई अंतर ना है। बड़ी वाली जो ए है जहाँ पर दबे सही बड़ी हो जाए साइज, और छोटी वाली जैसे छोटो हो जाए साइज, काम सेम ही है, साइज छोटो बड़ो करती हैं। उसके बाद इन ऑप्शन को हम दिखेंगे नीचे वालों, इसको काम है बोल्ड करना थोड़ो, मतलब ज़्यादा वैसे कर दिए ना मोटो कर दे थोड़ा सा एक्स्ट्रा। चलो आप देख सकते हैं जी थोड़ो थोड़े मोटे मुहैया तो है। और इटैलिक थोड़ो तिछो कर दिए आप लोग देख सकते, उसका अंडरलाइन एक लाइन आई है ये लोग। उसके बाद जैसे कट से कट हुई है देखो आप। और इन दोनों का काम है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट इन्हें बोलते हैं दोनों को। इनकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है जी हम आपको करके दिखा रहे हैं। जैसे हम सब कुछ नॉर्मल कर दें एंटर एक बार यहाँ कर रहे, मान चलो कोई फॉर्मूला लिखाता है उसके लिए जी काम। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर H2 मान चलो कोई फार्मूला लिख रहे हैं, हम फार्मूला या ना लिख रहे बता रहे। जैसे H2 लिखो हमने, H पढ़ी करना है H2। अब यहाँ पर आपने देखो है जो H2 होता है या कोई फार्मूला होता है उसमें जो 2 है या मतलब जो है वो पावर लगाते हैं घात लगाते हैं वो ऊपर को थोड़ी। तो इसे सिलेक्ट करें 2 को, शिफ्ट के साथ हम एरो की होती हैं जो उनसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं तो कन्फ्यूज ना होने। तो जैसे हमने 2 को सिलेक्ट कर लिया हुआ, उसके बाद जैसे ही हम सब स्क्रिप्ट क्लिक करें सो ये थोड़ा नीचे पहुंच गया जी आप लोग देख सकते हैं। दोबारा सेलेक्ट हम कर रहे हैं शिफ्ट के साथ एरो, उसके बाद अगर सुपर सुपर स्क्रिप्ट कराएँ तो जो ऊपर पहुंच गया जी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं जानिए क्या कहला जी। तो उसके बाद हम आगे देखें जी इन दोनों का काम है जी दो रही है। इसको काम है हाईलाइटर है, टेक्स्ट हाईलाइटर। जैसे हम जी आप लोग देख सकते मैं चाहूँगा जी को हाईलाइट करो है, इसे नॉर्मल करना चाहता हो तो नो कलर क्लिक कर दो, दोबारा से हमारे बैस हुई है जी सिलेक्ट ना आए तो ताश जो बैस हुई हो इसे हम दोबारा से नो कलर कर दे रहे अब देखो। उसके बाद अगर हम टेक्स्ट कलर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है जैसे हम लाल कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमने लाल कर दो है जाए रेड, उसके बाद जाए हाईलाइट और कर दे रहे जो थोड़ा बढ़िया लगाए जी आप लोग देख सकते हैं। और थोड़ा सा ही करने हैं तो बोल्ड और कर दो लो आप देखो, और थोड़ा ज्यादा स्टाइल देने हैं तो लो इटैलिक और कर दो अंडरलाइन देखो। अब हो चुका हम उसके बाद हम आगे इसकी बात करें पैराग्राफ। तो पहले इसके लिए से हम नॉर्मल कर लें टेक्स्ट को अपने, नॉर्मल कर ले रहे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम एक एक चीज़ बहुत बारीकी समझा रहे हैं, जो कोई चीज़ छुटे ना और ऐसी कोई चीज़ ना आ रहा है जो समझ में ना आए क्योंकि आप लोगों को कोई दिक्कत हो बट मैडम। तो हम अब बात करें पैराग्राफ की। तो जो पहले जो दो ऑप्शन हैं इनको काम है थोड़ा इधर उधर खिसकाना। जैसे अगर हम इस पर क्लिक करें तो जैसे इधर इस पर हम करके दिखा रहे तो जो राइट की तरफ थोड़ा थोड़ा आप लोग देख सकते इधर बढ़े रहो है,
और इस पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट की तरफ थोड़ा थोड़ा खिसक बढ़ेगा। उसके बाद इन जाखुद काम ये इधर उधर पहुंचाना। अब मान चलो कोई हम लिस्ट बनाना चाहते हैं, या कोई भी लिस्ट है, कोई भी चीज़ बाजार की लिस्ट हुई, या किसी चीज़ कोई हिसाब है, या कोई भी चीज़ कैसी हो सके लिस्ट, तो लिस्ट तैयार करने है, तो उसके लिए जी ऑप्शन हमें दो है, नंबर बुलेट ले सकते हैं, और भी बहुत चीज़ें यहाँ पे आपको मिली हैं, ए बी सी डी हैं, नंबर हैं, और जो बुलेट हैं जी सब में, जैसे हम नंबर ले रहे हैं यहाँ से, तो हम मान चलो लिस्ट बनाने हैं, जैसे हमें बच्चन की लिस्ट बनाने है, तो इनमें जैसे हम नाम डाल रहे हैं एग्जाम्पल के, जैसे तो जी आप लोग देख सकते हैं ऐसे हम लिस्ट बना सकते हैं कोई भी तरीके। तो उम्मीद करते हैं जो आप जानिए क्यों काम है इसको और कहाँ है, और आगे वो हम आगे और भी वीडियो बना रहे हैं बट पैड के ऊपर, अगर आप लोग कमेंट कराओ और भी कोई चीज़ है इसमें, तो जो आप लोग जानिए इनको क्या काम है इसको, तो जो काम लिस्ट बनाना कोस्ट है स्टार्ट है लिस्ट, आप सीधी सी लिखा है लिस्ट कोई काम है, और इसको क्या काम है इसको, अब इसको देखेंगे हम, तो उसके लिए एक बार स्पेस देंगे यहाँ पर, एक बार और लिख दे ले कुछ और, जैसे हम लिख ले रहे शुभम कुमार, अब यहाँ चाऊ माई जी गिला शुभम और दो ही, अब यहाँ पर हम समझाएंगे इसको क्या काम है, इसको काम है पैराग्राफ के बीच में स्पेस है, जो स्पेसिंग जैसे इस पर हम क्लिक कर रहे हैं, अगर हम टू सेलेक्ट कर ले रहे हैं तो स्पेस बहुत ज़्यादा हुई, आप लोग देख सकते स्पेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यानी पर इतनी स्पेस ही कोई बुना आया है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो अगर स्पेस को कम करने हैं दोबारा सिलेक्ट करने हैं इन दोनों और इसी पे जाने हैं और 1.0 इसे सिलेक्ट कर देने हैं, अब आप लोग देख सकते हैं और अपने हिसाब से कस्टम ओवियन से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई बात ना। तो उम्मीद करते हैं जो आप जानिए हुए इसको क्या काम है, अब इन पे आते हैं दोनों, इससे हटा दें कन्फ्यूजन ना हो, अब इसे सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को, तो जो पहले वो है इसको काम है, जो हमारा टेक्स्ट है जो भी हम लिखते हैं वो लिख पैराग्राफ है वो हमारा लेफ्ट में रही है, मतलब एक अलाइनमेंट है कि यहीं पर करने हैं हमें अपने कहाँ ले आने अपने टेक्स्ट को, तो अब लेफ्ट में है जो वो बीच बार वो सेंटर, इस पर अगर क्लिक करें तो बिल्कुल सेंटर पहुँच गए बीचों बीच में, और जो इधर वाला है जो राइट में पहुँच गए, और जो है जो लास्ट जो है जस्टिफाई बोलते हैं जो दोनों ओर से बराबर में रखे है। तो उम्मीद करते हैं जो जानिए हुए हो क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो ना आए, अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर दियो हम दोबारा से वीडियो बना दिए, ऐसी कोई बात ना, बस दिक्कत ना आना चाहिए किसी को, आप लोग कमेंट कर दियो कि हमारी वीडियो थोड़ी बहुत आपकी मदद करती है या ना है, थोड़ी बहुत आप लोगों को कोई फ़ायदा हो रही है या ना है, कुछ समझ में आ रहे हो कंप्यूटर में ऐसे ही बस। तो चलो आगे हम बात करते हैं आप इंसर्ट की, अगलो जो हमारा टैब है इसकी, तो इसके लिए चाहो मजी के लिए इसे हटा दे रहे ऐसी कोई हमारी जरूरत ना, अब उसके बाद इसे पहले सेट करना है लैपटॉप, इसको काम है फोटो, यहाँ पर कोई चीज़ इंसर्ट कराना चाहता हूँ, कोई फोटो डालना चाहता है, मान चलो हम अपना बायोडाटा तैयार कर रहे हैं तो ऐसे हम अपना फोटो डालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी काम आए, तो इस पर क्लिक करो पिक्चर पे, कोई भी फोटो है इसमें, अब मेरे पास है ना कोई फोटो इस सिस्टम में, नई विंडो फरी भई है इसलिए, चलो तो कोई बार ना हम जाए फोटो को ओपन करके दिखा दे रहेगा जी आप लोग देख सकते, इसे छोटो कर ले रहे फोटो को हम जी आप लोग, तो ऐसे हम इसमें फोटो इंसर्ट करा सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हो पेंट ड्राइंग, इस पर क्लिक करें, सो जो हमारी पेंट है या ओपन हुई है इसके ऊपर अगर आप लोग कमेंट कर दिए तो मैं अलग से पूरी एक वीडियो बना दिए कि इसको क्या काम है और इसमें जो भी आपको जो टूल दिख रहे हैं इनको कैसे यूज करने है, तो हम अलग से एक वीडियो बना दिए इसके ऊपर स्पेशल पूरी फुल, जैसे हम यहाँ से कोई ड्राइंग कुछ चीज़ तैयार करें या फिर जैसे इस कलर से
ऐसे से कट करना जी, आप लोग देख सकते जो हमने वहाँ पे बनाई थी एन पी पाए चुकी है बट पर। तो एक तरीके की बस पैंट बनाना काम है इसको, कोई पैंट कोई अपनी तरीके से कोई तैयार करना चाहता है। तो आपको दूसरा जो ऑप्शन डेट एंड टाइम, मीन से डेट टाइम डाल सकता था करंट ही, जैसे ही फॉर्मेट चाहो आप फॉर्मेट में डाल सकते। तो जो ऑप्शन तीनों समझिए आप लोग। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इसमें कहा है हम मान के चलो वर्ड पैड ना कोई दूसरी फाइल यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहते हैं। मान के चलो अभी हमने पेंटिंग फाइल अभी आप लोग पेंट ओपन करी थी, तो पेंटिंग कोई पहले से बनी हुई है उससे हम ओपन करना चाह रहे हैं, जिन पेंट ब्रश है इसे सेलेक्ट करने और यहाँ से ओके करके फाइल ओपन कर लेने हैं। तो ऐसे यहाँ से, और इसमें हम एक चीज़ बताना भूलिए, हाँ क्रिएट फ्रॉम फाइल है यहाँ से हम फाइल ओपन कर सकते हैं, और जो क्रिएट न्यू है यहाँ से फाइल बना सकते हैं। जैसे पेंट ब्रश पर क्लिक करें, ओके करें जी, आप लोग देख सकते हैं। तो जो तीनों क्लियर है इंसर्ट वाले टैब, कोई भी कन्फ्यूजन ना होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बड़े आराम से हमने एक एक चीज़ क्लियर करी है, कोई दिक्कत ना आना चाहिए। उसके बाद तो फाइंड, तो इसको के लिए पहले हटा देना है हम सब। अब इन तीन की बात करें एडिटिंग टूल की, तो उसके लिए पहले हम सब कुछ हटा दें और थोड़ा बहुत हम यहाँ पर ही लिख लें थोड़ा, जैसे हम थोड़े नाम फाम लिख लें। जैसे हमने यहाँ पर तीन नाम लिख लिए हैं, अब यहाँ पर हम आपको दिखाएं इन तीनों काम का है। पहले है फाइंड, अब यहाँ पर फाइंड ऑफ का काम है, इसको काम है माने चलो बहुत ज़्यादा बड़ो पैराग्राफ है या बहुत कुछ हमने बड़ी तैयार कर ली जिसमें बहुत कुछ है। अब ऐसे में मैं इसमें ढूंढने हैं कि राहुल नाम को राहुल कहाँ पर लिखी है, कोई माने चलो बड़े नोट्स हैं या कोई भी हमने तैयार करो कोई लेटर, उसमें हमें ढूंढ लें राहुल कहाँ लिखी है। तो हुमन फरीब काम आता है फाइंड, तो यहाँ जैसे ही हम लिखाएंगे राहुल राहुल, और जैसे ही हम यहाँ पे फाइंड क्लिक करें जी हमें बता दिए राहुल कहाँ लिखे जी, आप जब देख सकते इसने हाईलाइट कर दो है। तो ये काम है इसको फाइंड टू। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जानिए रिप्लेस, इसको अब हम बताएं माने चलो जहाँ राहुल लिखी है या जहाँ चाऊ लिखी है वहाँ हमें शुभम करने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चाऊ, जैसे बहुत बड़े हो तो वहाँ पर हमें चेंज करने, जैसे चाऊ लिखी है यहाँ पर हमें शुभम करने हैं। तो यहाँ पर फाइंड में चाऊ लिख देने हैं, और जो रिप्लेस है यहाँ जो आप चेंज करना चाहते हो चाऊ को किसी जगह बदलना चाहते हो, जैसे हम शुभम की जगह बदलना चाहते हैं यहाँ शुभम हो गया चाऊ की जगह, यहाँ पर रिप्लेस आल पर क्लिक कर दो, जहाँ फाइंड रिप्लेस आल पर क्लिक कर देने जी, आप लोग देख सकते हैं जहाँ चाऊ लिखी थी वहाँ शुभम हुई है। तो रिप्लेस का काम है कि जहाँ पर जैसे अगर अतुल लिखी है तो उसकी अगर राहुल करने है, चाऊ लिखी है तो उसकी मतलब कोई भी चेंज करने है, कोई भी हमें अपना लेटर तैयार करो या किसी चीज़ में कोई गलती हुई है और हम चाहते हैं, या कोई एड्रेस हमने लिखो किसी में फार्म में अब वो गलत लिखी हुआ है बहुत जगह लिखा हुआ है, तो ऐसे में जो रिप्लेस टूल बहुत ज़्यादा काम बहुत है। और लास्ट जो रही हो सिलेक्ट ऑल, इसको काम है जो भी चीज़ है वो हम एक बार हम सब सिलेक्ट हुई है सब कुछ यहाँ पर, इसकी मैं शॉर्ट की बताई थी कंट्रोल ए, जिससे सब कुछ सिलेक्ट हुआ। तो पहले जो सब कुछ क्लियर है उम्मीद करते हैं जी सब आपको आ ही आना चाहिए, कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे अगले टूल व्यू, अगलो जो वो अरे अगले मेनू है जो व्यू देखें, इसमें कहा इसमें जूम कोई ऑप्शन है जाना जूम करना चाहते हैं जूम इन, यूं से हम कर सकते हैं जी, इधर ऑप्शन मिल गया तो राइट मैटर जो छोटो सो ऐसे जूम कर सकते, जूम इन जूम आउट इन से पकड़ के हम कर सकते हैं आराम से। जिसको डिफॉल्ट है वो 100 ही रात है, 100 कर दे रहे हैं हमसे डिफॉल्ट से, रूलर है इस पर अगर टिक कर दियो तो रूलर दिखाई दिए, और इससे अनटिक कर दियो तो रूलर ना दिखाई दिए, जो रूलर की रोत हुआ। उसके बाद स्टेटस बार ये नीचे वालों, अगर इससे अनटिक कर दिया तो हटिए है स्टेटस बार, जो टिक रहे हैं तभी तक जो नीचे है यहाँ। उसके बाद हम इन दोनों ऑप्शन की बात करें,
सेटिंग पहले है बर्ड रेफ, इसको का काम है जैसे रेफ टू रूलर आया है इस टाइम जो, तो इसमें जो भी चीज़ हम लिखाएंगे जैसे हम लिख के दिखाएं आपको एग्जांपल के लिए, जो भी चीज़ लिखाएंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली लिखते ही पैराग्राफ चेंज हुई है, मतलब रूलर तक जो है फिर हम लिख सकते हैं। ये आप लोग अभी देखें देखो चेंज हुई है ऑटोमेटिकली, दूसरे पैराग्राफ पहुँची। पर अगर हम इसे यहाँ से रैप टू विंडो कर दें तो जितनी बड़ी हमारी विंडो है ये अब आप लोग देख सकते हैं, लिखते ही चलो जाइए सीधे, लिखते ही चलो जाइए। और नो रैप तो सीधे जो लिखते ही चलो जाइए। तो उम्मीद करते हैं जब आप लोग समझिए हो, चाहता है इसे आपको रूलर पर रखनी है जैसा ही है, ज़्यादा छेड़खानी ना करना चाहिए ज़्यादा। और दूसरा जो है मेजरमेंट यूनिट, इसको काम कहा है कि अब इंचेस में आए जो हमारा रूलर है, मान चलो हमें इसे पॉइंटम करना चाहते हैं तो पॉइंटम क्लिक करो, जो हमारा पॉइंटम बदलिए, और भी अपने हिसाब से बदल सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, हम इंचेस में ही रखें ज़्यादा चेंजेस ना करें अपने उस। तो उम्मीद करते हैं जो आप लोग समझ गए हो। तो आज की वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, अब अगली वीडियो में हमें जाके जितनी भी शॉर्ट की हैं जितनी भी हैं वो सब आपको बता दिए शॉर्ट की सब कुछ, और एक बायोडाटा तैयार करके दिखाए हैं अगली वीडियो में हम। तो अगली वीडियो को वेट करने हैं आप लोगों को ज़रूर से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जानिए बर्ड पैड कहाँ है और इसको क्या काम है वो। तो बस आज की वीडियो में तो ही, तो मिलेंगे अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।